फ्रेंड्स, माय नेम इज कबीर और आप देख रहे हैं कबीर ब्लॉग। और आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे नदी। सो चलिए, गाइस अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और अभी बहुत दूर है, सो वो हम लोग जा ही रहे हैं, देखते हैं। सो अभी हम लोग इसी बाई तरफ, इधर ही एक नदी है, वो नदी को आप लोगों को दिखाएंगे। सो चलिए, सो हम लोग जाएंगे ये राइट साइड पे और इधर भी रास्ता है, बट इधर कोई नहीं जाता, इधर बहुत कम ही आदमी जाते और इधर ही ज़्यादातर जाते हैं। सो चलिए, अभी हम आ चुके हैं नदी के किनारे और प्रेजेंटिंग हमने जो है बहुत नदी है। अभी डैम तो पानी जो है वो बंद है, बोल के गंदा हो गया थोड़ा। लोगों ने देखा वो कौन सा वो थी नदी, हम लोग कहते हैं आसाई नदी। हमें यहाँ पे डिस्कशन है प्रोपिफिकेशन और नदी का बुरा होना, मतलब नदी का गंदा होना, ये सब ही बात कर रहे हैं। सोचना चाहिए ये सब। और अभी हम लोग निकल रहे हैं दादा परी और ऊपरी ओर, हम लोग नदी के ऊपरी ओर जा रहे हैं और उसे जन्नत भी कहते हैं। हमारे यहाँ में जन्नत का तरह कुछ नहीं है, पहले बता देता हूँ, बट वहाँ पे जन्नत कहते हैं। और अभी वहाँ पे जो है भीड़ होने ही वाली है, तो आप लोग तो आगे दिखाएंगे। तो हम लोगों का घर से जो नदी है वो 10 मिनट की दूरी में है। और इब्राहिम जो है एक एथलेटिक प्लेयर भी था पहले, बट अभी एथलीट छोड़ देने के बाद उसके जो है हालत एकदम खराब। अभी हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं और हम लोग देख पा रहे हैं वो करीबी है। सो कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाते हैं। यही एंट्रेंस है और इधर से ही घुसा जाता है। चलिए, और इधर आ चुके हैं। सो नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं, ये नज़ारा है। और भी करीब से दिखाते हैं, आगे आगे चलकर दिखाते हैं और भी करीब से। ये करीब भी आ चुके हैं और ये वही प्लेस है, वो नद ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन रेल ब्रिज है, उधर से ट्रेन आती है। और ये पूरा का जो पूरा जगह है, ये एक सज्जन सो रास्ते में चलते हुए हमें ये मिल गया, बिच्छू है, बहुत ही जहरीला है। और बाकी हम लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। टाटा बाय बाय बिच्छू। और आज के लिए बस इतना ही, द एंड। थैंक यू।